टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेती बंदर खाड़ी से रेती माफिया धड़ल्ले से रेती निकालने का कारोबार करते हैं, मगर आज कलवा तलाठी नीलेश कांबले ने अपने वरिष्ठों के आदेश पर यहां पर कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान नीलेश कांबले ने बताया कि रेती निकालने के इस्तेमाल में जो नाव इस्तेमाल किया जाता है उसकी जब्ती नहीं की गई है। सिर्फ खाड़ी से रेती निकालकर जहां रखा जाता है, जिसे कुंडी कहा जाता है, वहां पर जेसीबी लगाकर खुदाई कर दिया गया है। मगर सवाल उठता है अधिकारियों के कार्रवाई से भी कि ये किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कई बार रेती निकालने के इस्तेमाल में होने वाले नाव वगैरह की जब्ती की जाती है, इन्हें नष्ट भी किया जाता है, उसके बावजूद भी रेती माफिया खाड़ी से रेती निकालने में बाज नहीं आते हैं और गैर कानूनी तरीके से मैंग्रोव नष्ट कर रेती माफिया धड़ल्ले से इस खाड़ी से रेती निकालते हैं। आपको बता दें, मुंब्रा रेती बंदर खाड़ी से बड़े पैमाने पर रेती निकालने का कारोबार होता है, मगर दिखावे की कार्रवाई की जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। और आज जो कार्रवाई हुई है उस पर हमने भी कलवा के जो तलाठी है नीलेश कांबले, उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। सर, क्या नाम है आपका? तलाठी नीलेश कांबले, कलवा। सर, ये कार्रवाई जो आज यहाँ पर की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई, क्या जानकारी चाहिए? ये तहसीलदार थाने जो है युवराज बांगर साहब, उनके आदेश के ऊपर ये कार्रवाई चल रहा है। ये खारेगांव के पास जो अवैध रीत्या रेती निकालने का काम चलता है, ये जो कुंडी है इसको तोड़ने का काम चल रहा है। अभी आगे भी इस तरह की और कार्रवाई? हाँ, ये अभी आगे से वहाँ से भी और भी हमारे तलाटी वहाँ पे लगे हुए हैं जेसीपी से कुंडी तोड़ने के लिए। अभी हमने फिलहाल ये तीन किया है कार्रवाई, और उन्होंने एक जगह पे कार्रवाई किया है, दूसरी जगह पे उनकी कार्रवाई चल रही है। कुछ बाज नाय वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं? सिर्फ जीसीपी लाया है, हमने दो जीसीपी काम कर रहे हैं बस। तो बाज वगैरह पे ऐसे कार्रवाई? बाज पे अभी कार्रवाई नहीं है, अभी सिर्फ हमको आदेश मिला था ये जो रेती बंदर के ऊपर जो कुंडी है उसको तोड़ने का काम चल रहा है अभी बस। सर, ऐसे तमाम आरोप लगता है कि आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर दोबारा रेती का कारोबार शुरू कर दिया जाता है, निकाला जाता है, तो इस पर नियमित कार्रवाई करके इसे पूर्ण तरीके से बंद करने के लिए आप लोगों में कुछ ऐसे वरिष्ठों में मीटिंग हुई भी कर सकते नहीं? इसके बारे में हमेशा और इसके बारे में जो भी बात है हमारे वरिष्ठ कार्यालय से ही आपको बता सकते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता। क्योंकि जो कार्रवाई करने के लिए अधिकारी आते हैं उन पर भी सवाल उठता है कि दिखावा कार्रवाई किया जा रहा है और फिर दोबारा इसी तरह का रेती निकाला जा रहा है। नहीं, आप अभी देख रहे हैं, इधर हमने बेस ये मैंने उनका तोड़ा हुआ है, ये सिर्फ साइड से मिट्टी वगैरह नहीं हटाया है, जो बेस है उनका वही मैं तोड़ रहा हूँ और कार्रवाई सही तरीके से चल रही है।